हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मेहसान का ज्ञान में आज आपका एक विशेष स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रेमा बेस आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का लेसन नंबर 1st का सेकंड क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं, तो दोस्तों इसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ पे क्यू एक पूर्णांक है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले मानेंगे कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, आइए देखते हैं, माना ए एक धन विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है जहां ए का मान अधिक होगा 6 से। तो दोस्तों इसी प्रकार आगे देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए, तो जो यहाँ पे बी होगा, बी भी एक धन पूर्णांक होगा। इसीलिए यहाँ पे बी का जो मान होगा वह होगा 6। तो हम इसको अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a = bq + r। यहाँ पे हमारे पास r का मान होता है 0 > r < b। तो दोस्तों हम इसमें, जैसे आप देख रहे हैं, हमने b का मान हमारे पास 6 है, तो हम इस समीकरण में a = 6q+ यानी कि b का मान रखेंगे तो हमारे पास यह समीकरण बन जाएगी, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 माना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे r का मान हमेशा b से छोटा होगा, तो हमारे पास b का मान जो है 6 है, तो इसलिए हमारे पास r का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो दोस्तों अब हम इस r का मान इस समीकरण में एक एक करके रखते जाएंगे सारे मानों को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मान आ रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास मान आएंगे, पहले हमने 0 रखा, अब हम रखेंगे 1, अब हम रखेंगे 2, अब हम रखेंगे 3, हमने रखा 4 और अब हम रखेंगे 5। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने सारे मान यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हमें ये बताना है कि यह एक विषम धन पूर्णांक होगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एक विषम पूर्णांक हमने माना था, तो ये जो है एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी मान होंगे हमारे, ये 6q+0, 6q+2 और 6q+4, यह एक संपूर्ण अंक जो कि 2 से विभाजित होंगे, तो हमारे पास a = 6q+0, a = 6q+2 और a = 6q+4, यह एक विषम पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो हमारे पास a = 6q+1, 6q+3 एंड a = 6q+5 होंगे, यह एक विषम पूर्णांक होंगे, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन बता चुके हैं, एक बार हम आपको फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। आपने यह क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद देखिए हमने माना कि ए कोई धन विषम पूर्णांक है जहां जिसका मान हमेशा 6 से कम होगा, और बी धन पूर्णांक है जिसका मान हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 6। उसके बाद हमने इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सॉल्व किया, जहां पे उसका मान होता है a = bq + r, जहां पे r का मान हमेशा b से कम होता है। तो हमारे पास यहां पे b का मान 6 है, तो r के मान हमारे पास 0 से लेके 5 तक होंगे। तो हमने एक एक करके इन सारे मानों को इस इक्वेशन नंबर 1 जो हमने माना है उसमें रखा है। उसके बाद हमने देखा कि a हमारे पास विषम संख्या है, तो देखिए a = 6q+0, 6q+2 और 6q+4 जो है
यहाँ पे एक विषम पूर्णांक नहीं होंगे क्योंकि यह दो से विभाजित होते हैं, लेकिन जो हमारे पास a बराबर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है वह एक विषम धन पूर्णांक के रूप में होगा क्योंकि यह दो से विभाजित नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।